नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कार्यवाही। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चरण 4 के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 5 महीने यानी कि जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर माह मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके लिए कुल 67,266.44 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एक्शन का दिखा असर, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 9,721 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, भारत में बैंकिंग घोटाले के मामले में सरकारी एक्शन का असर दिखने लगा है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सरकार की चौकसी का असर यह हुआ कि सरकारी बैंकों को करीब 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रांसफर हो गई है। ईडी के मुताबिक भगोड़े आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है ताकि धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। ईडी ने कहा कि विजय माल्या और पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंकों की 40% राशि पीएमएलए के तहत जब्त किए गए शेयरों की बिक्री के जरिए वसूल की गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब कम अनाज नहीं तोल पाएंगे दुकानदार। जी हाँ दोस्तों, खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए अच्छी खबर है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य और जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज की ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा। उसी महीने इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन और भारत के बीच 24 जून को होगी बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते एक साल से अधिक वक्त से जारी गतिरोध सुलझाने की कोशिशों में फिर बातचीत की कवायदों का दौर शुरू होगा। इस कड़ी में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर इस हफ्ते WMCC की अहम बैठक होगी। वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की भी वार्ताएं होनी है। भारत चीन सीमा मसलों पर बातचीत के लिए बने WMCC की 22वीं बैठक गुरुवार 24 जून को आयोजित की जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा में तैनात BSF जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में नशे की खेप पहुंचाने के प्रयास को विफल बनाते हुए BSF जवानों ने न सिर्फ 27 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है बल्कि उसे यहां ला रहे तस्करों को भी मार गिराया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद की गई हेरोइन की कीमत लगभग 135 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविन पोर्टल की सफलता की कहानी 20 देशों से साझा करेगा भारत। 30 जून को आयोजित किया जाएगा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल की शुरुआत की थी। इसी कोविन पोर्टल के जरिए वैक्सीन लगवाने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और टीकाकरण के बाद सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। भारत ने दुनिया भर के 20 से अधिक देशों के साथ राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की और आज इस मामले में सबसे आगे है। अब भारत टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की सफलता की कहानी उन 20 से अधिक देशों के साथ साझा करेगा जिन्होंने अपने टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए इस पोर्टल को अपनाने में रुचि दिखाई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अनलॉक के बीच में क्या अब स्कूल खुलेंगे, जानिए किस राज्य में अब तक क्या लिया गया है फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले हर दिन घट रहे हैं तो इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या जल्दी स्कूल खुलेंगे।
कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। वहीं केंद्र सरकार का भी कहना है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ स्कूल खोलने का निर्णय तभी ले जब पूरा भरोसा हो जाए कि स्कूल जाने पर बच्चे बीमार नहीं होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कोविड 19 महामारी पर गठित एक सेंट्रल वर्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले कई तथ्यों पर ध्यान रखना जरूरी होगा। बता दें कि यूपी सरकार ने 1 जुलाई से प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इस दौरान स्कूलों में सिर्फ प्रशासनिक काम होंगे। वहीं पर दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोविड 19 महामारी की मद्देनजर और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा बिहार में कोरोना संक्रमण के घटते प्रकोप को देखते हुए अनलॉक की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य में अब 6 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं पर सरकार ने धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने का ही आदेश दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से पहली कक्षा से हायर सेकेंडरी तक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कोरोना कर्फ्यू का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, यानी जिस जिले, शहर या गांव में कोरोना संक्रमण होगा वहां पर स्कूल बंद रहेंगे और बाकी जगह खोले जाएंगे। ऐसे ही शहर में जिस इलाके में संक्रमण होगा वहां के स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही यह भी तय किया गया है कि किस उम्र में बच्चों को कितने समय के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। इसके साथ ही तेलंगाना में भी लॉकडाउन खत्म हो चुका है। साथ ही सरकार ने स्कूल कॉलेज को दोबारा खोलने का भी फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद राज्य में लॉकडाउन हटाने और 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले सकी है। साथ ही हरियाणा में भी 30 जून तक स्कूल कॉलेज बंद है। वहीं पर राज्य सरकार 30 जून के बाद कॉलेज खोलने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा हिमाचल में सरकार 23 जून से मेडिकल, आयुर्वेदिक कॉलेज, 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खोलने का फैसला ले रही है। सरकार ने बच्चों के स्कूल के संबंध में अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। इसके साथ ही झारखंड में भी 17 महीनों से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद है। सरकार ने अब तक इन्हें खोले जाने को लेकर स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि कोचिंग चलाने वाले लोग, इनके संगठन लगातार सरकार से कोचिंग और स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या इस कोरोना की महामारी के अंदर स्कूलों को खोला जाना चाहिए या फिर कई दिनों तक और बंद रखा जाना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 24 जून को आसमान में दिखेगा स्ट्रॉबेरी मून, होगा 2021 का आखिरी सुपर मून, जानिए इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस साल 24 जून को ग्रीष्म संक्रांति के बाद की पहली पूर्णिमा है और इस दिन एक अनोखी खगोलीय घटना आसमान में दिखाई देगी। 24 जून में आसमान में चंद्रमा यानी कि चांद स्ट्रॉबेरी के रंग में दिखाई देगा। इस अनोखी खगोलीय घटना को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। इस दिन चांद आकार में बड़ा और थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी की तरह गुलाबी रंग का पड़ेगा। जून में पूर्णिमा के दिन निकलने वाले इस चांद को स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। किसी किसी जगह पर इसे हॉट मून या फिर हनी मून भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बेटे के 18 साल के पूरी होने के बावजूद भी नहीं होती है पिता की जिम्मेदारी पूरी, उठाना होगा खर्च। जी हाँ दोस्तों, यदि बेटे की उम्र 18 साल हो जाती है तब भी पिता का उसके प्रति दायित्व खत्म नहीं होता है। बेटे के बालिग होने के बाद भी उसकी एजुकेशन और अन्य तमाम खर्चे अकेले माँ पर नहीं डाले जा सकते हैं। पिता को भी उसकी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। इसके साथ ही कोर्ट ने लड़के के पिता को हर महीने उसकी माँ को 1500 रुपए मासिक खर्च देने को भी कहा है, जिसे उसने तलाक ले लिया है। अदालत ने कहा कि लड़के के ग्रेजुएशन पूरी करने तक या फिर उसकी कमाई शुरू करने तक पिता को यह भत्ता देना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बुरी तरह से फंसे चीन से वैक्सीन लेने वाले निवे देश, संक्रमण बढ़ा तो बहानेबाजी में लगा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया की सरकार ने अपने देश की जनता से वादा किया था कि गर्मी आते ही देश कोरोना के खिलाफ जंग जीत में हासिल कर लेगा। बहरीन ने कहा था कि देश में कुछ महीनों के बाद स्थिति पूरी तरह से सामान्य होगी क्योंकि वैक्सीनेशन काफी तेजी से जारी है। बेहद छोटे द्वीप सेशेल्स ने घोषणा की थी कि देश में वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार के साथ जारी है और बहुत जल्द देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगेगी। ये तीनों देश उन दर्जन भर देशों में शामिल है जिन्होंने चीन के वैक्सीन पर विश्वास किया था, लेकिन अब इन देशों की स्थिति काफी विकराल हो चुकी है और कोरोना वायरस के सामने चीनी वैक्सीन पूरी तरह से फेल साबित हुई है, जिसके बाद चीन लगातार अपनी बयानबाजी करता नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।